पुलिस चौंकी दे अधीन आउंदे इलाका राज एवन्यू विखे दो गवांडियां दी लड़ाई होण दी खबर सामने आई है। मौके तो मिली जानकारी दे अनुसार पीड़ित परिवार नूं उन्हां दे गवांड दे विच इक किराए दे मकान दे विच रहिंदे पुलिस मुलाजम ASI मनिंदर कुमार वल्लों अपनी वर्दी दी तौंस दिखांदियां बिना वजह दे झगड़ा करन ते किसे झूठे मुकदमे दे विच फसाउण ते जानो मारन दी धमकियां देण दा समाचार प्राप्त होया है। विधेरे जानकारी दिंदियां पीड़ित व्यक्ति ने दस्या कि ओह सवेरे 7:30 बजे दे करीब अपना ट्रैक्टर लैण जा रहा सी तां उन्हां दे गुआंढ दे विच रहिंदे ASI मनिंदर कुमार वल्लों बिना वजह बहसबाजी करन अते हत्थों पाई ते उत्तर आण दा मसला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने दस्या कि उन्होंने पुलिस चौंकी नूं सूचित किया है ते इस संबंध दे विच पुलिस चौंकी काले घणूपुर दे इंचार्ज सब इंस्पैक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि दोनों धिरां दी लिखती दरखास्तां आईयां ने ते दोनों धिरां नूं चौंकी दे विच बुलाया गया है। अमृतसर तो अज दी आवाज लई विनोद कुमार दी रिपोर्ट। परजीत सिंह अपना गली नंबर 2 राज एवेन्यू काले पिंड। हाँ जी गल वीर जी, ये साढ़े गवांढ किराए ते रहिंदा मुलाजम ते ये नेती जिहड़ा वा मतलब अपनी वर्दी दा मैनू जिहड़ा कहिंदा वी मैं पुलिस मुलाजम आ, मैं तैनू ठोक दूंगा, तू मैनू कर कुछ नहीं सकदा, मैं वर्दी पाई आ तेरे ते, कदी कहिंदा मैं फलाना धारा दा परचा करा दूं ते हमेशा ही जिहड़ा वा मैं अपना सामने साडी हवेली आ असीं काम करना हुंदा ते जदों ड्यूटी तों आउंदा जदों जांदा वा इहने कोई ना कोई गल छेड़नी हुंदी आ, कदी कोई गाल मंदा करदा। अज भी मैं अज साडी पैली दे विच काम ही कोई ते ट्रैक्टर लैण चलिया हाँ अपना गवांढियां वालों ते इह मैं राह च जाण डिया ते मगरों गया मोटरसाइकिल ते मोटरसाइकिल ते जा के ते इहने मैनू उत्थे जा के ते तूं तूं मैं कीती आ ते मैं भी खलो गया वा ते उन्ने च इहने अपने बैग दे विचों जिहड़ी आ ओह राड कढ़ी आ ते मैनू कहिंदा कि तैनू मैं मार देणा वा, जिवें कहिंदा कि सिद्धू मूसे वाला मारिया इवें तैनू गैंगस्टरां तों ठकवा दूंगा ते तेरे ते परचा करवा दूंगा, तू मेरा कख नहीं बिगाड़ सकदा ते नेती मतलब जिहड़ा वा इह कादी गल्लों तुहानूं तंग परेशान कीता जांदा, कारण की तुहाडी कोई पहला कोई झगड़ा आ कोई रंजिश आ उह दस दिओ, कोई कारण हैगा आ? कारण वीर जी इहदे नाल कोई बहुता नहीं साडा, ये सिर्फ ते सिर्फ अपने लागे बन्ने होर 2-4 घर ही जिहड़े मतलब साडे नाल करदे रहिंदे सी थोड़ा बहुता झगड़ा ते कहिंदे सी कि तुसीं पशू रखे आ ते दसो असीं ते किरत करके खाण डए आ, कोई पशू रखणा कोई माड़ी गल्ल है? कोई असीं लुट खोह ते करन नहीं डए, अपनी कमाई किरत करके खाण डए दहाना वा। इहदी तुसीं जिहड़ा तुहाडे नाल लड़ाई झगड़ा पहलां वी करदे तुसीं इहदी जानकारी पुलिस नूं दित्ती? हाँ जी पिछले साल वी दित्ती आ ते उदों उहनां ने कहा सी कोई गल नहीं तुसीं अज तों इक दूजे नाल बोलणा नहीं, राजीनामा करवाता सी, पर नहीं इह हटदा नहीं, इह हमेशा धमकी जिहड़ी आ देंदा रहिंदा वी मैं तैनूं ठोक देणा वा तेरे ते फलानी धरा दा परचा करवा दूंगा, मैं मुलाजम आ तूं मैनूं कर कुछ नहीं सकदा वगैरह। हाँ जी बहुत ज़्यादा खतरा, ये कहिंदा मेरे तो असला आया मैं तेनों ठोक दूंगा, अं ये भी मांग कर देंगे यदा असला भी जब्त किया जाए। तो CCTV नहीं असले की नहीं साढ़े तो है, पर असले की धमकी देता वा भी मेरे तो असला है। हाँ जी एक दो है वा जो मतलब करता तू तू मैं कर देना, अंदरों सोटा भी लेके आता, कई बार कृपान भी लेके आता वा, कोई ना कोई ये हाथ च हथियार हुंदा वा ते अज भी मैं खाली हाथ तुरिया जाना, मैनू की पता वा कि इन्हें मेरे नाल इतना करना वा, ये हुण जान मैं जान डिया वा ते मगरों ये आ गया वा ते इन्हें अपने बैग दे विचों राड़ कढ़िया वा वह मेरे मारन लगा वा ते मैं अपना बचा किया वा। मंग इहो जी इत्थे जिहड़ी आ कारवाई सख्त की जाए ते इहदा असला जब्त किया जाए जिहदी नित धमकी देंदा वा, ਹੋਰ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਐਵੀਨਿਊ ਘਣਪੁਰ ਕਾਲੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡਏ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਈ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲੌਖਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਤੂੰ ਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ASI ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਇਹਨੇ ਰਾੜ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ
वह बैग जे चो कट के उन्होंने लम्मी जी कट के तो मारन लगा फिर इन्हें अपने बचाव वास्ते कुछ फड़िया फिर हेठा उत्ते हो गए दोवें लड़ पे उधर उधर ही फिर अं इतों नंगी पैरी भजियां गई मावा धियां तिने डैडी इन्हों का दुध फड़ा गया ही तो ये कर नहीं अं तो तिने जनिया भजियां गई तो मुड़के उत्थे फिर भी दी गुआंदा तेन मैं अंज करवा दो अज इन आंता तेरा इंतजाम अह करवाया मैं अज मुंडे इन्हें यह गल कही है पहला उस दिन जदन लड़िया उदन आंता ही सिद्धू मूसेवाले वांगर मरवाऊंगा तो गैंगस्टर तो मरवाऊंगा तो अज इन्हें आख्या अज मैं तेरा यह इंतजाम करवाया वा साड़ी मांग ये भी इनू सस्पेंड कराया जाए तो इनू पता लगे नाले मेडिकल होया जाए नाले मकान चो इतों निकल जाए ये ना झगड़ा डेढ़ साल हो गया साढ़े ना इस तरह जो जिगर उदो कर झगड़ा ये चौंकी राजीनामा भी होया चौंकी अं गए हाँ उत्थे भी इन्हें आखिया तो घर आ गए तो फिर औखा हों पाया उसके भी अं काम करके डंगर का निकले अंदरों तो बूह मार के अं आन लगे हाँ तो यह जो आया वा तो भौंके बंदा वेख लेंदा इन्हें अगों आख्या तुम मेरे वाल वेंदे जे मुंडे ना तू मेरे वाल औखा वेहना वा तो आंता भी मैं थोड़ा औखा वेहना भी तू ड्यूटी तो है तो अं अपना काम करके अंदर वड़ लगे हाँ तो यह अगों अंदरों पंजाब अज वेख ही लेना अंदरों जाके तो छोटा लै आया हाँ जी सर की है मामला ये मामला जी मनिंदर कुमार है एस आई राज एवन्यू रिंदाकाले घनूपुर इन्हों के गवांड ने भी अपने डेयरी है डंगर की इन्होंने कितने पहला डेयरी कटाने वास्ते ना महल ने सारे दरखास्त दी सी सी पी साहब के अपने कमिश्नर कारपोरेशन के ये कहने मुताबिक मम्मी अच्छे सैन किए ने ये साड़ी रंजिश आ इस करके इन्होंने कोई गल पी पर परिवार का कहना भी जिम्मे मुंडे दसा भी वह जाते भी ड्यूटी जाते बाडे लागे जरा मुलायम जो गल पाया हाँ मौके पर जाकर हम तफ्तीश करते हैं जो ये कहने मुताबिक इन्होंने कहने मुताबिक सीसीटीवी भी मुलाजम लड़ता नजर आ रहा वर्दी के पर लड़ाई झगड़ा करता हाथ ये तो देखो जी मैं हजे सीसीटीवी वेखी नहीं गई हूँ मौके पर जाके तफ्तीश करके जिद खिलाफ बनती हुई कार्रवाई हूँ सर कोई राट शराब पंजाब दियां वड्डियां ते ताज़ा खबरां देखण दे लई साडे फेसबुक पेज अज दी आवाज़ नूं फॉलो करो ते अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो इस दे नाल ही यूट्यूब दे उत्ते साडे चैनल अज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो लेटेस्ट ब्रेकिंग खबरां दे लई साडे नाल जुड़ो इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दी जानकारी दे लई सानूं फॉलो करो देश विदेश दियां वड्डियां खबरां हुण सिर्फ अज दी आवाज़ दे उत्ते अज दी आवाज़ दे अखबार दा ई पेपर एडिशन पढ़न दे लई साडी वैबसाइट दे उत्ते विजिट करो पंजाब दा प्रोसेमंद अखबार रोजाना अज दी आवाज़।